गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का था रिविजन। आज संडे है तो आपको पता है कि आपका रिविजन सेशन चल रहा है। तो ये रिविजन सेशन जो है, ये लेटेस्ट पेपर से ही रिलेटेड आपके आगे स्लाइड्स रखी हैं। तो अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं, ये वाले रिविजन सेशंस, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जितना भी हो सकता है इसको शेयर करना। जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं, मेरी उनसे उम्मीदें हैं या उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें, जितने देख रहे हैं शेयर भी करें और आगे रिकमेंड भी करें, ताकि आपके साथ जो है मैं बहुत जल्दी लाइव आ सकूं। मेरा मेन मुद्दा यही है इस टाइम पे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, द ब्रह्मो समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन, जो आपका ब्रह्मो समाज था, गिव मी द पेन, जस्ट वेट। हमारा जो ब्रह्मो समाज है, अभी देखा हमने पीछे फॉरेस्ट सेशन में भी किया था, तो उसमें पूछा था, फाउंडर्स पूछे थे। ठीक है, ये मैं सोचे कि ये रिवीजन सेशन HAS वाले ही देखेंगे। ये रिवीजन सेशन HAS TGT हर कोई देख सकता है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ये जरूर देखिए, हर एक कैंडिडेट देखिए, हर एक कैंडिडेट तक शेयर कीजिए। तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे आपके? ब्रह्मो सभा थी वो, पहले इसका नाम आत्मीय सभा था, फिर ब्रह्मो समाज था, दैट इज राजा राम मोहन राय, फादर ऑफ मॉडर्न रेनेसेंस। ठीक है, तो ये जो थे, देखिए 1814 में आत्मीय सभा, 1815 में कलकत्ता ऑफिस, और 1838 में जो है, 28 में ब्रह्मो सभा इन्होंने की, और बाद में ये ब्रह्मो समाज बन गया। तो अबॉलिशन ऑफ सती नहीं, देखिए इन्होंने जो है, ब्रह्मो समाज ने दो चीज़ों पे फोकस किया था, एक चाइल्ड रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश करना, और एक मोनोथीज्म, गॉड एक है। तो जो है ना, एकश्वरवादिता। ठीक है, तो ये जो था, इन्होंने किसको सबसे ज्यादा जो एम्फेसाइज किया गया था, वो किया गया था आपका सी, यानी मोनोथीज्म। आंसर इज सी, एकश्वरवादिता, एकश्वरवादिता, एक चीज पे अप्लाई करना। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदय? देखिए, अगर देखा जाए, अंत्योदय कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने सर्वोदय दिया था, और दीनदयाल उपाध्याय ने जो है इसको बाद में अंत्योदय किया था, बट द होल कंसेप्ट वॉज गिवन बाय, इसको शुरू किसने किया? महात्मा गांधी ने सर्वोदय दिया था। अरबिंदो जो थे, इन्होंने अरबिंदो आश्रम पुडुचेरी, तो ये कैंसिल कर दीजिए। जय प्रकाश नारायणन जो है, इन्होंने किया था, बिहार मूवमेंट शुरू की थी 1974 में, और इन्होंने जो है पूरा सहयोग भूदान मूवमेंट को दिया है। और भूदान मूवमेंट किसने चलाई थी? विनोबा भावे ने चलाई थी, और विनोबा भावे ने ही ये कंसेप्ट दिया अंत्योदय योजना का। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे कब शुरू हुई थी? 1951। और पहली सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी ने फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह चलाया था, उस टाइम की पहली इंडिविजुअल सत्याग्रह भी जो कौन थे? विनोबा भावे थे। भूदान मूवमेंट भी क्वेश्चन आ सकता है, अंत्योदय कंसेप्ट भी इसने, वैसे ये कंसेप्ट जो है महात्मा गांधी ने दो प्रिंसिपल, सर्वोदय चलाया था, अंत्योदय जो था वो दीनदयाल उपाध्याय ने चलाया, बट द होल कंसेप्ट, इसकी जो शुरुआत, इसका जो मेन आइडिया था, वो किसका था? विनोबा भावे का। 1951 में जो है उन्होंने भूदान मूवमेंट चलाई थी, और फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह मेंबर कौन था? विनोबा भावे। और सेकंड कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इन टू इंग्लिश? भगवत गीता जो तिलक ने भी लिखी थी, भगवत गीता को इंग्लिश में किसने, देखिए, सर एलेक्जेंडर कनिंगम इज नोन एज द फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। जितने भी, जैसे आर्कियोलॉजी इन द सेंस कि जितना भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है, उन सबको जो है कनिंगम ने किया था। चार्ल्स विल्किंसन, चार्ल्स विल्किंसन ने जो है आपका क्या, फोर्ट ऑफ विलियम्स। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, जो ब्रह्मी और खरोष्टी लैंग्वेजेस हैं उनको डिसिफर किया गया था, और देवमी प्रियदर्शी जो कि अशोका का था, उसको भी मेंशन किया गया था। तो ये जो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने आपकी क्या लिखी थी, क्या कहते हैं इसको, भगवत गीता, ये किसने लिखी थी आपकी? विलियम जोन्स ने तो नहीं लिखी थी, आंसर इज चार्ल्स विल्किंसन ने लिखी थी। जेम्स प्रिंसिप का तो मैंने आपको बता दिया, और विलियम जोन्स का भी मैं आपको बता देती हूँ। विलियम जोन्स जो थे, उन्होंने जनरल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी, देखिए विलियम जोन्स के बारे में एक और चीज बोला, अभिज्ञान शकुंतलम,
जो था अभी ज्ञानम शकुंतलम, उसका भी अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने किया, तो ये भी याद रखना। किसने लिखा है? कालिदास, ठीक है, उसके बारे में विलियम जोन्स ने उसको अनुवाद किया था, तो ये भी याद रख लेना। पर गीता को किसने किया था? आपके चार्ल्स विल्किंसन ने। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस? इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस किसने फाउंड की? देखिए, ए ओ ह्यूम ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर थे। डफरिन के टाइम पे इन्होंने बात की थी 1885 में, जिसको जो है कहाँ पे हुआ था? ये बॉम्बे में, पुणे में होना था, बॉम्बे में, गोकुल दास तेज पत्र संस्कृत कॉलेज। तो ये नहीं है। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, और सेकंड थे दादा भाई नरोजी 1886 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने हितेवाड़ा लिखी, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर हैं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक भी थे। बाल गंगाधर तिलक, जिसको केसरी, जिसको स्वराज इज माई बर्थ राइट, मराठा और केसरी न्यूज़पेपर्स इन्होंने चलाए, मांडलिया जेल में इनको भेजा, शिवाजी और गणेश फेस्टिवल, आपको पता है गणेश चतुर्थी चल रही है, तो ये फेस्टिवल्स किसने शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये नहीं है। एम जी रनडे ने जो है ये आपका इंडियन नेशनल सोशल कांग्रेस कब? 1887 में फाउंड की थी, और ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोखले। गोखले के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोखले के गुरु कौन थे? एम जी रनडे। गोखले किसके गुरु थे? महात्मा गांधी के। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। महात्मा गांधी स्टार्टेड इज डांडी मार्च। डांडी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का था, 1930 में शुरू हुआ था, लेकिन इससे पहले 72 माइल्स चलने के लिए 12 मार्च से जो है महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल को। और कहा जाता है इसको नवराली भी कहा, नुखाली भी कहा जाता है, और आपका जो ये सॉल्ट टैक्स को चलाने के लिए था, ठीक है, सॉल्ट टैक्स को चलाने के लिए, सॉल्ट टैक्स को तोड़ने के लिए जो है दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो ये कहाँ से? दांडी से नहीं, अहमदाबाद से नहीं, पोरबंदर, जब महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, आंसर इज साबरमती आश्रम से। कहाँ से शुरू किया था? साबरमती आश्रम से। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो ये था आपका हिस्ट्री का सेशन। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको हिस्ट्री का सेशन कैसा लगा? और अगर आपको अच्छा लगा है, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉलिटी का सेशन है। आफ्टर रिटायरमेंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट कैन अंडरटेक अ प्रैक्टिस इन। जब रिटायरमेंट, देखिए हाई कोर्ट का जो जज होता है उसकी एज कितनी होती है रिटायरमेंट की? जैसे सुप्रीम कोर्ट की जो एज होती है वो होती है 65, एक सेकेंड, 65, लेकिन हाई कोर्ट की जो एज होती है दैट इज 62 ईयर्स पे वो रिटायर हो जाता है। अगर वो रिटायर हो जाता है तो कहा जाता है कि जो सेवानिवृत्त हाई उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद वो कहाँ पे प्रैक्टिस कर सकता है? जिस कोर्ट में उसने प्रैक्टिस की है वहाँ नहीं, जिस जगह का वो लोकल कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वो सिर्फ अगर उसको प्रैक्टिस करनी है तो वो किसी और जगह के कोर्ट पे प्रैक्टिस कर सकता है। मान लीजिए जैसे हिमाचल का हाई कोर्ट का जज है, तो वो हिमाचल में प्रैक्टिस नहीं करेगा, हिमाचल के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा। वो उसको कहाँ पे करनी है? वो हिमाचल से बाहर करेगा। तो वो क्या करेगा? एनी अदर कोर्ट एक्सेप्ट सेम कोर्ट, ठीक है, सेम कोर्ट में नहीं करेगा, लोअर में, किसी और कोर्ट में कर ले, उस अदालत के अतिरिक्त किसी भी अदालत में, मतलब जिस अदालत का, जिस एरिया की वो अदालत है उसमें नहीं करेगा, और कहीं कर ले। तो आंसर इज सी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी मैथड्स ऑफ अमेंडमेंट? देखिए अमेंडमेंट कितनी है? 368 आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है अमेंडमेंट होती है। अभी तक कितनी हो चुकी हैं? 105 on August 2021, 10 अगस्त को ये 105 हुई हैं, और 20 तक आपकी कितनी थी? 104। पांचवी जो है अभी इस पे काम चल रहा है, ये प्रॉपरली नहीं हुई है। पांचवी में कि हर स्टेट के पास उसकी पावर होनी चाहिए फॉर द ओबीसीज। और जो 104 अमेंडमेंट है उसमें क्या कहा जाता है? एक तो SC ST के लिए एक्सटेंशन, और दूसरा जो आपके एंग्लो इंडियंस जो उनको प्रेसिडेंट चुनता था उनको बैन कर दिया गया, मतलब अब एंग्लो इंडियंस को नहीं चुना जाएगा।
तो वो 104 थी, लेकिन अब टोटल जो है आप 104, बट अभी जो है 105, अगस्त 10 अगस्त 2021 को जो है ये 105 अमेंडमेंट्स हो गई हैं। तो जो आपकी 368 अमेंडमेंट है वो 3 बार है। पहली होती है सिंपल मेजॉरिटी जो कि दोनों हाउसेस में चलती है, सेकंड होती है स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, अमेंडमेंट थ्रू स्पेशल मेजॉरिटी, और दूसरी भी जो होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी विद द रेटिफिकेशन ऑफ द हाउसेस। मतलब क्या है कि रेटिफिकेशन जो होगी, देखिए एक तो होगी स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, ऑफ पार्लियामेंट विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब जितने भी हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं उनकी, उसकी वजह से, एक तो सिंपल मेजॉरिटी की वजह से, एक स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है, ये तो दो हैं ही। तीसरी जो होगी, तीसरी अमेंडमेंट जो होगी वो करेगा स्पेशल मेजॉरिटी, लेकिन इसमें जो है विद द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वो भी पार्ट करेगा, वो भी रेटिफाई करेगा, तब जाकर तीसरी होती है। तो कितने टाइम पे करता है? 3। और आर्टिकल कौन सा है आपका? 368। और अभी तक कितनी है अमेंडमेंट्स? 104.5 मान के चलिए अगस्त से, और हमारे शेड्यूल्स कितने हैं? 12, ये भी याद रखना। इन विच स्टेट वॉज द पंचायती राज इंट्रोड्यूस? देखिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि जब भी साल में कोई भी कंपटीशन हुआ है ये क्वेश्चन नहीं आया, किसी ना किसी पेपर में ये डालते ही हैं। तो पंचायती राज आर्टिकल 73 अमेंडमेंट, ठीक है, फिर उसके बाद जो है ये आर्टिकल 11 में डील किया जाता है पंचायत, और 12 में डील किया जाता है आपका म्यूनसिपालिटीज, ठीक है। जितने भी पंचायत हैं, 73 पंचायत, ये किस आर्टिकल, किस उसमें बोला जाता है? DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी बात की गई है। तो पंचायती राज के मिनिस्टर कौन है अभी? दैट इज गिरिराज, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो पंचायती राज सबसे पहले 1959 में कहाँ पे आया था? नागौर में आया था। नागौर किस जगह पे है? राजस्थान में। कहाँ पे है आपका? राजस्थान, गुजरात नहीं, यूपी नहीं, बिहार नहीं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? देखिए जवाहरलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर थे, B.R. अम्बेडकर वॉज द हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जिनसे रिलेटेड टीचर्स डे भी मनाया जाता है जो हाल ही में गया है, और उस दिन कितने टीचर्स को जो है नवाजा गया है टीचर्स अवार्ड से? 44। तो एस सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो है दैट इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वो कौन थे पहले? सर्वपल्ली। तो ये नहीं है, आंसर इज राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द ज्योग्राफी सेशन है, तो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी सेशंस के कितनों के क्वेश्चंस बिल्कुल सही गए हैं और कितनों का सेशन अच्छा गया है? प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप जुड़ रहे हो ना, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जुड़े हो तो आप बाकियों को भी फोर्स करो कि सेशन को देखें। एक का अपना भला करोगे तो दूसरों का भी भला कीजिए। देखिए हम यहाँ पे आप लोगों के साथ खड़े हैं, तो प्लीज़ इतना तो आप कर सकते हो कि आप चैनल को लाइक भी करवाइए, शेयर भी कीजिए, और वीडियोस में जितने भी लोग हैं वो आगे भी जो है इस क्लासेस को देखिए। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू अर्थ? अर्थ के पास सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस। वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, इवनिंग स्टार, राइट। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट। मार्स इज कॉल्ड एज द रेड प्लैनेट, इस पर रिसर्च चल रही है, आंसर इज मरकरी। नियरेस्ट टू द अर्थ, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट? देखिए हॉटेस्ट वैसे तो वीनस है, पर नियरेस्ट टू द अर्थ इज मरकरी। द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप कैसी है? कई लिखते हैं फ्लैट, चपटी नहीं है, सर्कल नहीं है, स्फीयर नहीं है। देखिए अगर किसी को याद करनी है तो अगर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, डायग्राम पे मत जाना प्लीज, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ। ये है आपकी शेप कि यहाँ से चपटी, यहाँ से मोटी और यहाँ से चपटी, यानी यहाँ से ऑब्लेट है, ऊपर से आपकी चपटी है, पोल्स हैं ऊपर, तो इसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फेरॉइड, चपटा गुलाब। ये गुलाब आ गया
और ऊपर का पार्ट जो आपका, देखिए अगर हम अर्थ की बात करें ना, तो ये आपकी चपटा, जैसे आपने देखा होगा ग्लोब में ऊपर का पार्ट जो होता है वो चपटा होता है यहाँ से भी, और ये जो है ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये साउदर्न हेमिस्फेयर है। साउदर्न में होता है अंटार्कटिक पोल और यहाँ पे होता है आर्कटिक पोल, तो ये क्या आएगा ऑब्लेट। द डिफरेंस बिटवीन IST एंड GMT, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अभी 3 बार पेपर्स में आया है, जितने भी अभी 2020 में पेपर्स हुए हैं उनमें ये जो है आपका 3री बार क्वेश्चन आया है। तो 5 आवर्स 30 मिनट्स, 5 आवर्स 30 मिनट्स, विच इज नोन एज एंटी ट्रेड विंड्स। देखिए एंटी ट्रेड विंड्स क्या होती हैं, एक होती है ट्रेड विंड्स और एक होती है एंटी ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स होती हैं जो ईस्ट टू वेस्ट चलती हैं, और एंटी ट्रेड विंड्स होती हैं जो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं। ठीक है, चिनुक जो है दैट इज द लोकल विंड। साइक्लोन्स, अभी आपने देखा था कि पीछे जो है एक साइक्लोन आया था, दैट इज कॉल्ड टॉटके। टॉटके साइक्लोन जो था ये मई में आया था। ठीक है, तो साइक्लोन्स क्या होते हैं, जिसमें सेंटर होता है, और ये सबसे ज्यादा समर सीजन में आते हैं। विंटर सीजन में ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा साइक्लोन्स कब आते हैं, सेंटर में आते हैं, और जो आपके समर में आते हैं, और विंटर में कौन से आते हैं आपके एंटी साइक्लोन्स। तो ये साइक्लोन्स ज्यादातर इंडिया और ट्रॉपिकल एरियाज में कहलाए जाते हैं। टाइफून्स, दैट इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ टाइफून्स, तो टाइफून्स भी जो है इसी तरह के तूफान है। ठीक है, तो टाइफून्स नहीं है। रॉक्स विच आर फॉर्म्ड, तो इसका आंसर क्या है, सॉरी वेस्टलीज, इसका आंसर क्या है वो वेस्टलीज, जो आपकी रोरिंग 40s 50s ये वाली जो जितनी भी विंड्स होती हैं वो वेस्टलाइज, जो कि वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, तो एंटी ट्रेड विंड्स जो उल्टी चलेंगी पश्चिम से पूरब की तरफ। ठीक है, रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। देखिए रॉक्स हमेशा, जो भी रॉक्स होती हैं, जो भी चट्टानें होती हैं, वो बनती है सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक है, ये जो लावा है ये दो तरह से बनता है, एक होता है इंट्रूसिव, मतलब एक अंदर की तरफ जम जाता है, और एक बाहर की तरफ। जब आपका लावा, जैसे ये आपका वोल्केनो है और ये जब फट रहा है, ठीक है, तो कुछ लावा अंदर ही ठंडा हो जाता है और कुछ लावा बाहर निकल जाता है। जो बाहर निकलता है वो बनाती है रॉक्स, कौन सी बनाती है, बेसाल्ट, और जो अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है वो बनाती है ग्रेनाइट, दैट इज कॉल्ड इंट्रूसिव। तो देखिए सैंडस्टोन तो सेडिमेंट्री है, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री है, ये जो है आपकी मेन रॉक कौन सी है, इग्नीशियस, जिसको फायर रॉक्स कहते हैं, पेरेंट रॉक वही है, ये दोनों इग्नीशियस रॉक्स हैं, जिसमें ये जो है ये इनसाइड द सर्फेस, इनसाइड द सर्फेस, तो ग्रेनाइट नहीं आएगा, आंसर इज वन, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, विच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा। सॉलिडिफिकेशन ऑफ द लावा एट द सर्फेस इज, मतलब जो लावा के दृढ़ करण से बनती है, दैट इज बेसाल्ट, राइट। सॉलिडिफिकेशन, तो सॉलिडिफिकेशन कहाँ पे होगी, बाहर की तरफ होगी, बाहर ही होगी, तो इसमें क्या आएगा आपका बेसाल्ट। अगर तो होता कि अंदर ही बन रहा है, इंट्रूसिव है, देन इट इज ग्रेनाइट। नाउ नेक्स्ट इज साइंस सेशन। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू द, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, दैट इज द राइज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर का गर्म होना, तो इसमें क्या होता है, यूवी रेज तो ओजोन की होती है, गामा रेज नहीं होती, इनकी पेनिट्रेटिंग पावर्स बहुत ज्यादा होते हैं, एक्स रे नहीं, आपकी इंफ्रारेड रेज, इनको बोलते हैं हीटिंग रेज, यही हीटिंग रेज जो है हमारा यूवी रेज करते हैं। जैसे ये अर्थ है, अर्थ पे कुछ रेज पड़ती हैं, ठीक है, आपकी विजिबल रेज तो हमारे को विब्ग्योर बनाती है, जो देखने के काम आता है, जो आपकी यूवी रेज जब पड़ती हैं तो वो तो वापस ओजोन से टकरा कर चली जाती हैं। ये जो रेज अर्थ पे पड़ती हैं, जब ये वापस टकरा कर जब वापस जाती हैं, तो ऊपर एटमॉस्फेयर में CO2 के साथ एक वार्म ब्लैंकेट बनाती है, दैट इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। सिंपल एग्जांपल दूं, आप गर्मियों में अपनी कार को पार्क कीजिए, गर्मियों में जब आप कार को पार्क करते हैं और पूरे शीशे बंद है, तो जब भी आप गाड़ी खोलते हो तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हीट निकलती है। वो कैसे निकलती है, क्योंकि सारी इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड रेज है आपकी हीटिंग रेज, वो आपकी कार की बॉडी को गर्म करती है, टेम्परेचर को गर्म करती है, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इंफ्रारेड रेज। कार का एग्जाम्पल याद रखना आपको, ग्रीन हाउस इफेक्ट बेस्ट एग्जाम्पल है इसका।
Which phenomena establishes the transverse nature of the light? Reflection, that is the sending back, refraction, bending, diffraction is the slight bending, हल्की सी बेंड होना. इसका आंसर इज पोलराइजेशन. कहते हैं कि जब लाइट ट्रांसफर करती है एक मीडियम से दूसरे तो वो पोलराइज हो जाती है. जब पोलराइज होगी दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स नेचर. रिपीट होगी तो देन इट इज कॉल्ड पोलराइजेशन. इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द बिहेवियर ऑफ वाइब्रेटिंग स्प्रिंग. देखिए हाइग्रोमीटर तो ह्यूमिडिटी करता है तो ये तो कैंसिल. बैरोमीटर एटमोस्फेरिक प्रेशर तो ये भी कैंसिल हो गया आपका. हाइड्रोमीटर वाटर को करता है या रेनफॉल तो ये नहीं है. आंसर इज सोनोमीटर साउंड. देखो वाइब्रेशन आई तो साउंड होगी. साउंड को सुनने के लिए हमें चाहिए सोनोमीटर. ठीक है. हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है देखिए एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन. ठीक है. आपका जो हाइड्रोजन बॉम्ब है हाइड्रोजन बॉम्ब कब बनता है? फिशन से. फिशन होता है टूटना. जब आपका एटॉमिक बॉम्ब टूटता है ना तो फिशन होता है. ठीक है. जब हाइड्रोजन बॉम्ब बन रहा है देन इट इज कॉल्ड जुड़ना, चीज़ों को जुड़ना. तो ये क्या होता है दैट इज कॉल्ड अनकंट्रोलेबल. न्यूक्लियर रिएक्शन को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो दैट इज कॉल्ड, क्योंकि ये चेन रिएक्शन बनाता है और जब चेन रिएक्शन बना रहा है तो इट्स अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर फ्यूजन. जैसे सन है, सन इज बेसिकली डिपेंड अपॉन द फ्यूजन, क्योंकि दो हाइड्रोजन के एटम्स जब जुड़ेंगे तो वो हीलियम बनाते हैं और सन का सोर्स जो है वो हीलियम है. तो सन इज द रिएक्शन ऑफ फ्यूजन एज वेल एज जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो भी आपका फ्यूजन लेकिन अनकंट्रोलेबल है. लेकिन आपका जो जिसको हम बोल सकते हैं आपका कौन सा रिएक्शन है, ये जो एटॉमिक बॉम्ब है दैट इज स्प्लिटिंग. एटॉमिक बॉम्ब टूटता है. जब टूटता है तो एनर्जी टूटेगी दैट इज कॉल्ड फिशन. तो फिशन मतलब टूटना, न्यूक्लियस का टूटना. हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियस का जुड़ना होता है तो अनकंट्रोलेबल अनकंट्रोल न्यूक्लियर फ्यूजन. ठीक है. नाउ कम्स एचपीजी के सेशन. तो एचपीजी के सेशन क्या है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन. सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्शन किस स्टेट में होती है या किस डिस्ट्रिक्ट में होती है? देखिए हमें ये पता है हिमाचल इज नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया. एप्पल स्टेट सबसे ज्यादा होती है. अगर हम कुल्लू की बात करें तो आर सीली ने कुल्लू में एप्पल्स लगाए थे 1870 में. कहाँ पे? बंदरोलू में. ठीक है. उसके बाद कई जगह पे लगे और जो एक पाधा राम थे जो थे यहाँ के लोकल प्लांटर जिन्होंने एप्पल्स लगाए तो ये नहीं है. किन्नौर इज फेमस फॉर कीवी बीट रूट और नियोजे. काला जीरा भी यहाँ पे मिलता है तो ये नहीं है. चंबा, चंबा इज नेम फॉर वैली ऑफ हनी एंड मिल्क. ठीक है. तो आंसर इज शिमला. देखिए सबसे पहले 1887 में जो है आपके मशोबरा में लगे थे. ठीक है. उसके बाद सत्यानंद स्टॉक्स ने 1917 में जो है कोटगढ़ में जो है शिमला में क्या लगाए थे? एप्पल के बगीचे जो कि अमेरिकन किस्म के थे. तो सबसे पहले जो है एप्पल. ठीक है. विच ये थे आपके ब्रिटिश और ये थे अमेरिकन किस्म के. विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी हैज लोएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन. सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन क्या है? देखिए कांगड़ा इज बेसिकली फॉर हाईएस्ट क्राइम्स. ठीक है. हाईएस्ट क्राइम्स के लिए क्या है आपका? कांगड़ा. और शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज्यादा चंबा में है. ठीक है. हमीरपुर हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है. हाईएस्ट लिटरेसी यहाँ पे है. रोड डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है. बिलासपुर नहीं. आंसर इज ऊना. सबसे कम एससी कहाँ पे, एसटी कहाँ पे मिलते हैं आपके? ऊना में. तामसर माउंटेन पास कनेक्ट कांगड़ा विद चंबा. चंबा जो है आपका, चलिए बड़ा बंगाल चंबा. चंबा को आप तलांग से भी जोड़ सकते हो या आप इसको ये कह सकते हो चंबा के लिए हम चंबा का जो पास है दैट इज आपका किसको कह सकते हो आप चंबा का? तलांग पास. ठीक है. तलंग इंद्राहर ये पास है. ठीक है. तो ये कांगड़ा और चंबा को नहीं जोड़ते. तिब्बत को झांसकर जो है तिब्बत को हिमाचल से अलग करती है. ठीक है. तो ये नहीं है. गढ़वाल दैट इज आपको मैंने बोला रिंका.
ठीक है, आप आप गढ़वाल गढ़वाल को को ये ये बोल बोल सकते सकते हैं हैं लम खगा लमखगा पास, पास जो जो किन्नौर किन्नौर और और गढ़वाल गढ़वाल को को अलग अलग करती करती है। है। तामसर तामसर पास पास जो जो है है वो वो कांगड़ा कांगड़ा और और बड़ा बड़ा बंगाल, बंगाल, बड़ा बड़ा बंगाल बंगाल से से क्या क्या निकलती निकलती है? है? रावी। रावी। हिमाचल हिमाचल की की चंबा चंबा की की एकमात्र एकमात्र नदी नदी कौन कौन सी सी है? है? रावी। रावी। लाइफ लाइफ लाइन लाइन ऑफ ऑफ चंबा चंबा इज इज रावी, रावी, जो जो कि कि बड़ा बड़ा बंगाल बंगाल से से निकलती निकलती है। है। नाउ नाउ चोलांग चोलांग पीक पीक इज इज द द लोकेटेड लोकेटेड इन इन विच विच माउंटेन माउंटेन रेंज रेंज ऑफ ऑफ एचपी? एचपी? चोलांग चोलांग पीक, पीक, ठीक ठीक है। है। पीर पीर पंजाल पंजाल रेंज रेंज जो जो है है ये ये चंबा चंबा में में है, है, ठीक ठीक है। है। मिड मिड हिमालयस हिमालयस में में आती आती है है ये। ये मिड मिड हिमालयस हिमालयस की की दो दो रेंजेस रेंजेस हैं, हैं, ठीक ठीक है। है। मिड मिड हिमालयस हिमालयस यानी यानी आपके आपके लेसर लेसर हिमालय हिमालय और और इनर इनर हिमालयस हिमालयस जो जो 1500 1500 से से लेकर लेकर 4500 4500 की की एज एज मीटर्स मीटर्स में में है, है, तो तो ये ये क्या क्या आते आते हैं? हैं? पीर पीर पंजाल पंजाल रेंज रेंज तो तो इसमें इसमें आती आती है, है, ठीक ठीक है। है। झांसकर झांसकर तो तो आप आप मान मान के के चलिए चलिए ये ये अल्पाइन अल्पाइन रीजन रीजन है, है, तो तो ये ये तो तो सबसे सबसे ऊंचा ऊंचा है है जिसमें जिसमें आपकी आपकी सबसे सबसे ऊंची ऊंची चोटी चोटी शिला शिला आती आती है, है, जो जो कि कि आपकी आपकी कहाँ कहाँ पे? पे? किन्नौर किन्नौर में, में, और और झांसकर झांसकर तिब्बत तिब्बत को को अलग अलग करता करता है, है, ठीक ठीक है। है। तो तो ये ये तो तो कैंसिल कैंसिल कर कर दीजिए। दीजिए। अब अब आता आता है है शिवालिक शिवालिक रेंज, रेंज, ये ये आते आते हैं हैं आपके आपके लोअर लोअर हिमालयस, हिमालयस, आउटर आउटर हिमालयस हिमालयस, जो जो कि कि 350 350 से से लेकर लेकर 1500 1500 मीटर मीटर में में आते आते हैं। हैं। इसको इसको ट्रेसेस ट्रेसेस ऑफ ऑफ शिवा शिवा और और मानक मानक पर्वत पर्वत भी भी कहते कहते हैं, हैं, तो तो ये ये भी भी नहीं नहीं है। है। पीर पीर पंजाल पंजाल भी भी नहीं नहीं है। है। आंसर आंसर इज इज धौलाधार। धौलाधार। देखिए, देखिए, ये ये दैनकूट दैनकूट से से शुरू शुरू होता होता है है और और बद्रीनाथ बद्रीनाथ तक तक चलता चलता है, है, इसको इसको व्हाइटिश व्हाइटिश ग्रेनाइट ग्रेनाइट भी भी बोलते बोलते हैं, हैं, और और इसको इसको मौलक मौलक पर्वत पर्वत भी भी कहते कहते हैं। हैं। सबसे सबसे छोटी छोटी चोटी चोटी जो जो है है दैट दैट इज इज चोलांग, चोलांग, जो जो कि कि कहाँ कहाँ पे पे है? है? कांगड़ा कांगड़ा में, में, कांगड़ा। कांगड़ा। देखिए, देखिए, कई कई बच्चे बच्चे ना ना चोलांग चोलांग और और चांसल, चांसल, चांसल चांसल पीक पीक इज इज इन इन शिमला, शिमला, ये ये याद याद रखना। रखना। कई कई लोग लोग चोलांग चोलांग और और चांसल चांसल में में कई कई बार बार कंफ्यूज कंफ्यूज होते होते हैं। हैं। कॉक्सल कॉक्सल इज इज द द फर्स्ट फर्स्ट विलेज विलेज ऑफ ऑफ कॉक्सल कॉक्सल किसकी किसकी है? है? सिराज सिराज वैली वैली जो जो है है ये ये कांगड़ा कांगड़ा में, में, सॉरी सॉरी कुल्लू कुल्लू में। में। हैंगरैंग हैंगरैंग वैली वैली जो जो है है जहाँ जहाँ पे पे नेको नेको नाको नाको लेक, लेक, जो जो कि कि प्लेग्राउंड प्लेग्राउंड ऑफ ऑफ आइस आइस स्केटिंग स्केटिंग है, है, वो वो नहीं नहीं है, है, ठीक ठीक है। है। चूहड़ चूहड़ वैली वैली जो जो है है ये ये मंडी मंडी में में है, है, तो तो ये ये कैंसिल। कैंसिल। आंसर आंसर इज इज चंद्रा चंद्रा वैली। वैली। चंद्रा चंद्रा वैली वैली को को रंगोली रंगोली वैली वैली भी भी बोलते बोलते हैं, हैं, और और इसका इसका जो जो पहला पहला गांव गांव है है दैट दैट इज इज कॉल्ड कॉल्ड कॉक्सर, कॉक्सर, ठीक ठीक है। है। और और ये ये किसकी किसकी है? है? आपकी आपकी लाहौल लाहौल की की वैली। वैली। यहाँ यहाँ तक तक किस 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 का का क्लियर क्लियर अभी? अभी? और और आपको आपको हिमाचल हिमाचल सेशन सेशन में में कोई कोई भी भी डाउट डाउट है है तो तो बता बता दीजिए, दीजिए, और और अगर अगर अच्छे अच्छे से से क्लियर क्लियर है है तो तो कमेंट कमेंट सेक्शन सेक्शन पे पे लिख लिख दीजिए दीजिए, यानी यानी आपके आपके चैट चैट बॉक्स बॉक्स पे। पे। चलिए, चलिए, अब अब आते आते हैं हैं आपके आपके करंट करंट अफेयर्स। अफेयर्स। कॉपीराइट कॉपीराइट अमेंडमेंट अमेंडमेंट रूल रूल 2021, 2021, विच विच वॉज वॉज सीन सीन इन इन द द न्यूज न्यूज रिसेंटली, रिसेंटली, हैज हैज बीन बीन नोटिफाइड नोटिफाइड बाय बाय विच विच यूनियन यूनियन मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री? देखिए, देखिए, ये ये जो जो रीजन रीजन सेशंस सेशंस है है इसको इसको तीन तीन तरह तरह से से जरूर जरूर डील डील करना, करना, क्योंकि क्योंकि इसमें इसमें करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स अप्रैल अप्रैल जो जो भी भी होगा होगा रिवीजन रिवीजन सेशन, सेशन, उसमें उसमें जो जो पुराने पुराने 2021 2021 के के पिछले पिछले महीने महीने के के करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स हैं हैं उनको उनको डील डील किया किया जाएगा, जाएगा, क्योंकि क्योंकि करंट करंट अफेयर्स अफेयर्स का का सेशन सेशन आपका आपका रोज रोज 6 बजे6 बजे होता होता है, है, 6 AM6 AM पे। पे। तो तो आप आप उन उन सेशंस सेशंस को को जरूर जरूर देखें। देखें। तो तो मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ ऑफ फाइनेंस फाइनेंस नहीं, नहीं, अप्रैल अप्रैल के के है है ना, ना, तो तो अप्रैल अप्रैल में में मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री चेंज चेंज थी। थी। कॉमर्स कॉमर्स एंड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री, होम होम अफेयर्स अफेयर्स या या इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन एंड एंड ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग नहीं नहीं है, है, होम होम अफेयर्स अफेयर्स नहीं नहीं है, है, देन देन इज इज इट इट इज इज कॉमर्स। कॉमर्स। और और कौन कौन थे? थे? पीयूष पीयूष गोयल। गोयल। अभी अभी भी भी पीयूष पीयूष गोयल गोयल ही ही है, है, ठीक ठीक है। है। विच विच स्टेट स्टेट इज इज टू टू इन्वॉल्व इन्वॉल्व अर्थियास अर्थियास इन इन द द डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट पेमेंट प्रोसेस प्रोसेस फॉर फॉर द द फार्मर्स? फार्मर्स? ये ये बहुत बहुत पुरानी पुरानी प्रथा प्रथा है, है, जिसमें जिसमें जो जो लोग, लोग, जो जो किसान किसान है है उनको उनको जो जो डायरेक्ट डायरेक्ट जमींदार जमींदार जो जो थे थे वो वो पहले पहले पैसे पैसे देते देते थे, थे, तो तो ये ये जो जो ये ये स्टेट स्टेट है है वो वो आज आज भी भी डायरेक्ट डायरेक्ट पेमेंट पेमेंट जो जो है है अर्थियास अर्थियास से से करती करती है, है, दैट दैट इज इज पंजाब। पंजाब। और और ये ये किसने किसने कहा कहा है? है? आपका आपका कैप्टन कैप्टन अमरिंदर अमरिंदर सिंह। सिंह। इन इन विच विच ईयर ईयर द द गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई ई मार्केट मार्केट पोर्टल पोर्टल वॉज वॉज लॉन्च्ड? लॉन्च्ड? किस किस साल साल में में गवर्नमेंट गवर्नमेंट ई ई मार्केट मार्केट पोर्टल पोर्टल लॉन्च लॉन्च किया किया गया गया था? था? तो तो ये ये किया किया गया गया था था 2016 2016 में। में। आंसर आंसर इज इज 2016। 2016।
द पुअर, एट द पुअर, ऑन द पुअर, ओवर द पुअर या अपॉन द पियर। एट नहीं है, लुक डाउन एट द पुअर, लुक डाउन की बात की गई है। ऑन जब डाउन लग गया है, ठीक है, तो डाउन के साथ डाउन ऑन नहीं लगेगा, एट नहीं लगेगा। यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी रिच पीपल होते हैं वो हमेशा दबा रहे हैं, मतलब ओवरकमिंग कर रहे हैं, तो ओवरकम तो आएगा नहीं, ऑन भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, आंसर इज अपॉन। एंटोनियम ऑफ वर्ड पेनरिशियस, पेनरिशियस होता है कंजूस, गरीब, तो एक्सपर्ट पेनलेस नहीं होगा, एक्सपर्ट नहीं होगा, ग्रेट नहीं होगा, आंसर इज रिच। मीनिंग ऑफ एन idiom, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, अ मैन विदाउट मीन्स, अ जनरस मैन, मैन ऑफ करेक्टर्स, ठीक है। लड़का का भाववाचक लड़कपन, अर्पण का विपरीतार्थक ग्रहण, अर्पण मीन्स, अर्पण मतलब देना, देने का मतलब लेना। यथाक्रम, यथाक्रम का जो है द्वंद दो होते हैं, आंसर इज अव्ययी भाव, क्रम के अनुसार, तो दैट इज कॉल्ड अव्ययी भाव। तो बताइए स्टूडेंट्स, आपको आज का सेशन कैसा लगा? अगर सेशन अच्छा है तो प्लीज़ डू लाइक द सेशंस, जितने भी देख रहे हैं वो भी सेशंस को देखें, जो बाद में देखते हैं वो भी वीडियो को लाइक और लाइक जरूर करें, ताकि मुझे ये पता चले कि जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं उनको सभी को ये सेशन अच्छा लग रहा है। और अगर अच्छा लग रहा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को रिकमेंड करेंगे फॉर फर्दर अपडेट्स। आपके लिए जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, तो प्लीज़ जो है चैनल के साथ बने रहिए, 8 बजे का सेशन जरूर देखिए। प्रीमियर्स हैं दोनों, आप प्रीमियर्स में देखिए। प्लीज़ स्टूडेंट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि अगर आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को देखोगे, तो मैं यही कहूँगी कि कुछ फासले की दूरियों को आप ही मिटा सकते हो, और जल्द से जल्द जो आने वाले सेशंस हैं, जो आने वाले पेपर्स हैं, उनके लिए जो है हम आपके सामने इंटरैक्टिव वे से जो है क्लास लेकर आएँ। तो ऑन फेसबुक पेज फॉलो मी एज ए पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब इट्स पूजा गुप्ता, ऑन टेलीग्राम इट्स पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। प्लीज़ टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता लेट्स लर्न विद मी। सुबह 6 बजे का सेशन है करंट अफेयर्स का, वो भी देखिए, देन उसके बाद 5 बजे के सेशंस हैं, और आपके साथ जो है बड़ी जल्दी आपकी बाकी क्लासेस भी शुरू हो रही हैं, तो उन सेशंस को जरूर देखना है। जितने यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड एंड पुलिस और HAS एलाइड जो भी बैठा है कैंडिडेट, वो प्लीज़ आगे भी शेयर कीजिए, अगर आपको तभी, अगर आप सेटिस्फाइड हो, आपको मज़ा आ रहा है सेशंस में, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपको लग रहा है कि कंटेंट वाइज और मेहनत हो रही है, तब आप जाकर शेयर कर सकते हो, तभी पता चलेगा कि आपको सेशंस कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ फीडबैक जरूर देना। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे कल सुबह के सेशंस में, और 8 बजे का सेशन देखना ना भूलिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और शेयर जरूर करना गाइस, सबसे ज़रूरी है शेयर, सब्सक्राइब और लाइक, राइट।